Hello guys, what's up? I think you might be enjoying your sessions, your day-to-day activities. And let's move on with some real-time practices. Earlier I taught you about how to deliver your introduction, your family introduction, and also I gave you a clear-cut idea regarding how to improve your English. And if you can remember, I taught you 5 ways to learn English, that is read in English, write in English, speak in English, hear in English and think in English. और मैंने कहा कि अगर आप इन तरीकों को फॉलो करना शुरू कर दें तो यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड्स, आपका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा हो जाएगा. नाउ ये सारी चीजें तो अब आपको करती रहनी है, यू नीड नॉट स्टॉप दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ओवर हियर. अब आगे और क्या करें, वट एडिशनल फीचर्स वुड यू लाइक टू एड और यू वुड लाइक टू एड टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्तर को बढ़ाने के लिए और क्या क्या चीजें हमें करनी शुरू करनी पड़ेंगी. बेसिकली आई एम इन द मूड ऑफ टीचिंग यू टूडे सम ऑफ द स्मॉल स्टेप्स, कुछ मैं आपको छोटी मोटी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं आज. एंड डूइंग सो यू वुड डेफिनेटली एंजॉय स्पीकिंग टू समवन एल्स, आप दूसरे से बात करने में बड़ा ही अच्छा महसूस करेंगे. तो लेट्स हैव सम स्मॉल बेसिक स्टेप्स, कुछ छोटी चीजों को हम लोग लेंगे. Like suppose if you want to communicate with someone, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और बात करते भी हैं, for example कोई आपके सामने खड़ा है थोड़ी दूरी पर और आपको वहां से बाहर निकलना है, दरवाजा है, suppose दरवाजे पर खड़ा है तो आप उसे धक्का मार के तो नहीं निकलोगे, तो आप उसे कैसे अपनी ओर ध्यान दिलाओगे? तो obvious है कि आपको उससे कहना चाहिए excuse me. तो यहां एक्सक्यूज मी कह सकते हैं आप या आप कह सकते हैं हेलो. तो एक्सक्यूज मी या हेलो तब कहेंगे जब हमें किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना है. सेंस इसका यहां समझिए होगा, सेंस सुनिए, आ रही बात समझ में? यहां एक्सक्यूज मी का मतलब ये नहीं समझेंगे कि माफ कीजिए, माफ कीजिए बोलते भी है हिंदी में, अगर बोलते तो माफ कीजिए भाई साहब जरा सा ऐसा करके हम लोग बोलते हैं, बट यहां सेंस माफ कीजिए तो होता नहीं है क्योंकि टेक्निकली आपने तो कोई गलती करी नहीं है कि आप उससे माफी मांग रहे हैं, राइट? लेकिन अपनी ओर ध्यान दिखलाने के लिए, अपनी ओर ध्यान कराने के लिए अगले को हम एक्सक्यूज मी कहते हैं. तो अगर आपसे कोई कहता है एक्सक्यूज मी तो आप उसे क्या रिप्लाई दोगे? तो एक्सक्यूज मी अगर कोई कहता है तो आपको कहना चाहिए यस प्लीज, एक्सक्यूज मी यस प्लीज. आप यस को थोड़ा सा छोटे वे में भी कह सकते हैं लेकिन पोलाइट वे में होना चाहिए. अगर आप पोलाइट वे में नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. यू नीड टू हैव इट इन अ पोलाइट वे, उसको जो है आपको पोलाइट वे में करना चाहिए. जैसे एक्सक्यूज मी यस, समथिंग लाइक दैट, एक्सक्यूज मी यस, ये नहीं कि एक्सक्यूज मी यस व्हाट डू यू वांट, दिस इज नॉट द वे. अगर आप ऐसा बोलते हैं तो किसी को अगर आपसे कोई बात करने की इच्छा होगी तो वो बात नहीं करेगा. आप एग्जाम्पल में समझे, अगर आप किसी होटल के रिसेप्शन पर जाइए, वहां जाकर के बोलिए एक्सक्यूज मी, तो वहां पर तो इतना उठा करके नजर बोलेंगे यस सर हाउ मे आई असिस्ट यू, हाउ मे आई हेल्प यू, वहां इतना तक बोला जाता है आपको. तो आपको भी करना चाहिए पोलाइट रिस्पॉन्स, पोलाइट रिप्लाई, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके अंदर है कर्टसी. कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार, मैनर है आपके अंदर, ये पता चलता है. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर चीजें खराब लगती हैं, लोग शायद आपसे अपनी बात ना कहें, हो सकता है आप ही के फायदे की बात हो जो अगला आपसे करना चाहता वो नहीं करेगा. इसीलिए एक्सक्यूज मी आप ही बोलना शुरू करें दूसरे को जब आपको ध्यान दिलाना है. आप हेलो भी कह सकते हैं, हेलो मेनली तब कहते हैं जब थोड़ा सा दूर होता है कोई, राइट? या कभी थोड़ा सा उसको चिल्ला करके बोलना होता है तब बोलते हैं. जैसे हेलो भाई साहब, अरे आपका बैग छूट गया, ऐसा बोलना है तो हम यूज करेंगे हेलो. और नॉर्मली सामने सामने रहता है तो हम यूज करते हैं एक्सक्यूज मी. ये हमने यूज करा किस लिए भाई? तो ध्यान दिलाने के लिए. अब सपोज आपसे कोई गलती हो गई या किसी से कोई गलती हो गई तो क्या करेगा? एक्सक्यूज मी तो मैंने बोला मेनली ध्यान दिलाने के लिए करते हैं, तो हम लोग उसके लिए कई सारे टर्म्स यूज कर सकते हैं. जैसे हम यूज कर सकते हैं सॉरी, आप यूज कर सकते हैं आई एम सॉरी, आप यूज कर सकते हैं आई एम वेरी सॉरी, आप यूज कर सकते हैं सो सॉरी, ये तो आपने देखा होगा आज तक वगैरह पर आता है सो सॉरी, है ना? उसके बाद आप आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा माफी चाहता हूं. पार्डन प्लीज आप ऐसा भी कह सकते हैं, बेग योर पार्डन या आई बेग योर पार्डन, प्लीज फॉरगिव मी, आई अपोलोजाइज,
प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, इस तरह के टर्म्स आप यूज कर सकते हैं जब किसी से आपको माफी मांगनी हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक मॉडर्न ट्रेंड टाइप का बन रखा है कि नॉर्मली जो लोग हैं ना वो सॉरी बोल करके ही काम चला लेते हैं, चाहे गलती बड़ी हो चाहे छोटी हो, अमूमन लोग सॉरी बोलते हैं। लेकिन टेक्निकली आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप सॉरी बोले तो ये देखें कि सॉरी किसे बोल रहे हैं और गलती कितनी बड़ी हुई है। जैसे आपको लगता है कि आपसे ज्यादा बड़ी गलती हो गई है तो आप कहें आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब मुझे अत्यंत दुख है, मैं बहुत 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 माफी चाहता हूँ, सो सॉरी कह सकते हैं। खास करके जैसे आजकल किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया तो लोग बोलते थे पहले पार्डन, ऐसे करते थे कान की ओर इशारा करके पार्डन, आप उसकी जगह आजकल बोल सकते हैं सॉरी। तो सॉरी बोलने का भी मतलब है कि उसको सुनाई नहीं दिया, आप रिपीट करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तब हम कहते हैं जब हमसे गलती हो गई, ठीक है। लेकिन अब अगर हमसे खुद ये कोई कहता है और अगर हमें उसे माफ करना है तो फिर क्या कहेंगे? अगर हमने उसे माफ कर दिया तो कहेंगे इट्स ओके, लेकिन अगर माफ नहीं किया तो क्या करेंगे? तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसका अभी जो भी एक लॉजिकल दिमाग में आंसर ले रहे होंगे कि माफ नहीं किया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर गलती बड़ी है तो कई बार लोगों से गालियां निकालेंगे, गालियां देने लगेंगे। कई बार क्या होगा कि अगर जिसे आप गालियां नहीं निकाल सकते मन मन में गालियां देंगे, सामने तो बैठ करके उसको कुछ बोल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा से कोई गलती हो गई और उन्होंने आपको कहा सॉरी, तो आप भाई मम्मी पापा को तो आप गालियां नहीं निकालेंगे, ऑब्वियस है, तो फिर आप मुंह लटका करके खड़े रहेंगे। कई बार मित्र साथी होंगे, दोस्त होंगे, उन्होंने ऐसी गलती की तो हो सकता है उनसे हाथापाई कर दें। टेक्निकली यही सारे कुछ आपके जो हैं प्रोबेबिलिटीज हैं सॉरी के। लेकिन अगर आपने उसे माफ कर ही दिया तो आप कहते हैं चलो इट्स ओके, राइट। उसी तरह एक और छोटी सी चीज है जिसमें अक्सर मैं देखता हूं कि लोग अपना ध्यान नहीं देते या फिर अपना रोल नहीं प्ले करते, वो चीज है थैंक्स या थैंक यू से रिलेटेड। देखिए जब हमें किसी को धन्यवाद करना हो तो हम कहते हैं थैंक्स, थैंक्स की जगह आप कह सकते हैं थैंक यू, आप कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच, आप कह सकते हैं थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, आप कह सकते हैं अ मिलियन थैंक्स टू यू। ये शायद आपके लिए थोड़ा नया होगा, अ मिलियन थैंक्स टू यू। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो इसका मतलब होता है लाख लाख धन्यवाद, ठीक है। जैसे अगर कोई आपके साथ अनहोनी हो गई हो और आप बच जाते हो तो आप कहते हैं कि भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, आज तूने मुझे बचा लिया वरना तो मैं आज गया था। तो ये लाख लाख धन्यवाद बोलने के लिए इंग्लिश में हमारा टर्म है मिलियन थैंक्स टू यू। आ रही बात समझ में? नॉर्मली आपको किसी को धन्यवाद कहना है तो आप थैंक्स कहते हैं, थोड़ा सा धन्यवाद की इंटेंसिटी बढ़ानी है, थोड़ा ज्यादा बोलना है तो आप थैंक्स अ लॉट बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच बोलते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ऊपर में एक ट्रेंड सा बन रखा है कि पीपल यूज सॉरी मोर ऑफन, तो दे ऑल्सो यूज थैंक्स मोर ऑफन। सबसे ज्यादा आजकल थैंक्स भी यूज होने लगा है और लोग थैंक्स यूज करते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि अगर थैंक्स मुझे किसी ने बोला तो मैं उसको क्या रिप्लाई करूं? तो थैंक्स के भी कई सारे रिप्लाई हो सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, मतलब हुआ चलो ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट, मतलब हुआ चलो ठीक है। इसमें थैंक्स कहने जैसी कोई बात नहीं थी लेकिन तुम कह रहे हो चलो ठीक है। आप कह सकते हैं नो मेंशन, मतलब इसमें कहने की क्या जरूरत है, थैंक यू कहने की क्या जरूरत है। आप कह सकते हैं मेंशन नॉट, फिर वही बात हुई कि इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है। आप कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इसको शॉर्ट में लोग माई प्लेजर या प्लेजर भी कह सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं प्लेजर इज माइन, दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं प्लेजर इज माइन। आ रही बात समझ में? आप कह सकते हैं योर वेलकम, योर वेलकम, मैं यहां लिख देता हूं योर वेलकम, इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं यू आर वेलकम, और या इसे आप कह सकते हैं योर वेलकम, ठीक है। तो अमूमन आजकल ये बड़ा पॉपुलर हो रखा है थैंक्स के रिप्लाई में, थैंक्स के रिप्लाई में सबसे ज्यादा जो है ये पॉपुलर हो रखा है यो वेलकम, या लोग शॉर्ट में वेलकम इतना बोल करके निकल जाते हैं। लेकिन कई लोग मैंने देखे हैं जो रिप्लाई नहीं करते, ये बड़ा गलत बात है यार। देखो शिष्टाचार कर्टसी दिखलाने के लिए यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, आपको एक्ट करना पड़ेगा वैसा, दिखलाना पड़ेगा वैसा। तो अगर आपसे कोई कहता है थैंक यू तो उसका रिप्लाई करिए, जवाब दीजिए, क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं तो लोग को ये लगता है कि यू आर इल मैनर्ड, यू आर इल कल्चर्ड,
आप में शिष्टाचार नाम की कोई चीज ही नहीं है, सभ्यता संस्कृति आप कुछ जानते ही नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें बोल भर देने से लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, और अगर उनका मन अंदर से कुछ नहीं भी हो रहा होता है तो भी वो आपको रिएक्ट करते हैं। तो ये तीन छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि किसी को ध्यान दिलाना हो आप एक्सक्यूज मी बोलना शुरू कर दो, अगर गलती हो जाए तो तुरंत सॉरी बोलो, अगर किसी को थैंक यू कर रहे हो तो थैंक्स कहने के भी कई सारे तरीके मैंने बता दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिप्लाई भी करना शुरू करो। अगर आपसे एक्सक्यूज मी कोई कहता है तो एटलीस्ट यस बोलना शुरू करें, अगर आपसे कोई सॉरी कह रहा है माफ कर दिया तो इट्स ओके कहना शुरू करें, और अगर कोई थैंक यू कह रहा है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसा लग रहा है आपको वहां पर। मैं अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो इस काम को करके खुशी हुई और अगला मुझे कह रहा है थैंक यू, तो आप बोलना शुरू करें इट्स माय प्लेजर। अगर कर्तव्य बोध हो, जैसे कोई शिक्षक है कोई टीचर उन्होंने आपको थैंक यू बोला, तो आप वहां इट्स माय ड्यूटी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को आपको यूज करना शुरू कर देना चाहिए। एंड इफ यू स्टार्ट यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हाइल यू स्पीक इन इंग्लिश, डेफिनेटली लोगों के ऊपर आपका इंपैक्ट पड़ेगा। एंड आवर मोटो टू स्पीक इन इंग्लिश इज डेफिनेटली टू लीव एन इंप्रेशन, टू लीव ए मोटो। चलिए अब थोड़ी सी बात आज हम लोग कर लें कुछ और बातचीत से रिलेटेड। मैं आपको आज थोड़े से कन्वर्सेशंस के बारे में बताता हूं। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत, ठीक है। अब चूंकि यू हैव गॉट आइडिया अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको आइडिया मिल गया कि अपना परिचय कैसे देना है। नाउ यू हैव गॉट द आइडिया हाउ टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली इफ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, आपको प्रोफेशनल इंट्रो भी देना आ गया। मैंने कुछ छोटी मोटी बातें और बता दी आपको। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड टॉट यू हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, 5 तरीके भी शायद आपने फॉलो करना शुरू कर दिया होगा। तो अब रियल टाइम एक्सप्रेशंस के साथ आपको बातचीत करनी शुरू करनी है, तो वो बातचीत आप कैसे शुरू करेंगे उसके लिए अब आपको शुरू करना होगा कन्वर्सेशन, बातचीत। तो मैं दो टॉपिक पर कन्वर्सेशन बताऊंगा, एक आज बताऊंगा, और आज आप जो कन्वर्सेशन में टॉपिक दूंगा उसका आप प्रैक्टिस करेंगे किसी मित्र के साथ, दोस्त के साथ, साथी के साथ, अगर कोई नहीं होगा तो खुद से शीशे के साथ खड़ा होकर के आप ये प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इस प्रैक्टिस को एक दिन एटलीस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस पक्का बढ़ जाएगा। फिर एक नेक्स्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक नेक्स्ट कॉन्फिडेंट बूस्टर, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे, और फिर उस कॉन्वर्सेशन को करने के बाद आप देखेंगे कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगी। तो फिर और छोटी मोटी चीजों के साथ हम लोग स्पोकन इंग्लिश धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका वाकई रियल टाइम बेनिफिट होना शुरू होगा। तो जो मैंने आज के लिए आपके लिए टॉपिक ले रखा है वो है हाउ टू मीट एन अननोन पर्सन, मतलब हुआ किसी अनजाने व्यक्ति से कैसे मिले। अगर कोई अनजाना है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं किसी स्कूल कॉलेजेस वगैरह में कोई मिला, तो आप उससे बातचीत कैसे शुरू करेंगे। चलिए ले लेते हैं दो लोग ए और बी। सपोज ए ने बात शुरू की और इसने बोला हेलो हाउ डू यू डू। तो ये ध्यान रखें कि जब नए लोग आपस में बात करते हैं तो हाउ डू यू डू का रिप्लाई हम फाइन नहीं देंगे, क्योंकि जानना पहचान मैं तेरा मेहमान तो होगा नहीं ना। तो इसीलिए ये भी रिप्लाई करेंगे हाउ डू यू डू। अगर हाउ डू यू डू सर बोला है तो हाउ डू यू डू सर, इस तरह भी कह सकते हैं। हाउ डू डू मैम, इस तरह भी कह सकते हैं। तो हाउ डू डू से मतलब आप कैसे हैं, आप कैसे, ऐसे बोल के दोनों लोग अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। अब ये जो है ये अपना इंट्रोडक्शन अपने पहले दे सकते हैं, डायरेक्ट इनके बारे में पूछ सकते हैं, ये इनके बारे में पूछ सकते हैं। एक मान लेते हैं कि जिस इनको बात करने में इंटरेस्ट था तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन सपोज शुरू में दे दिया कि आई एम रवि फ्रॉम दिल्ली, सपोज मेरा नाम रवि है और मैं दिल्ली से हूं। अब इन भाई साहब को बात करने में इंटरेस्ट होगा तो ये तुरंत रिप्लाई देंगे, नहीं तो ये पूछ सकते हैं इनके बारे में कि व्हाट अबाउट यू, टेल मी समथिंग अबाउट यू। मान लीजिए इन्होंने बोला वेल दिस इज आकाश फ्रॉम कोलकाता, सपोज मेरा नाम आकाश है और मैं कोलकाता से हूं। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो ये वेल लिखा हुआ है इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। वेल मतलब ना तो यहाँ अच्छा है ना तो यहाँ कुआं है। इंग्लिश बोलने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें बेमतलब का बोलते रहते हैं, जैसे यू सी यू नो, इस तरह का जो एक्सप्रेशन निकलता है इसका कोई मीनिंग नहीं होता। रिमेम्बर ये सब सिर्फ टाइम टेकिंग के लिए होता है। कई बार हमारे दिमाग में इंस्टेंट आइडियाज नहीं आते तो उसमें वेल इस तरह करके हम लोग बातों को रख देते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता, रिमेम्बर दैट। ओके, अब इसके बाद इसी तरह नॉर्मली आपको बातचीत शुरू करनी है एक दूसरे से, जैसे व्हाट डू यू डू मिस्टर रवि, आप क्या करते हैं मिस्टर रवि, कहाँ से है, वेर डू यू हेल फ्रॉम, वेर डू एग्जैक्टली रिजाइड एट, इस तरह से नॉर्मल बातें। लेट मी नो योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर हॉबी, मतलब जो भी नए लोग आपस में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, क्या बातें करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, और उसमें अगर कोई चीज कॉमन निकल गई तो
तो काफी जल्दी से दोस्त बन जाते हैं, करीब आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको नॉर्मली एक दूसरे से बातचीत करती चलनी है। ये आप क्या करते हो, घर में कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, टेल मी समथिंग अबाउट योर पापा, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट डज योर फादर डू, वेयर इज योर नेटिव प्लेस, व्हिच स्टेट बेसिकली यू बिलोंग टू। इस तरह से आप लोग आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस करें, और ऐसे करते 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 जब आपको लगे कि हाँ काफी बातें हो गई, तो फिर कोई एक बोलेगा रियली नाइस टू मीट यू, मतलब हुआ वाकई आपसे मिलकर अच्छा लगा, या केवल नाइस टू मीट यू भी बोल सकते हैं, या प्लीज टू मीट यू भी बोल सकते हैं। प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड का मतलब भी खुशी हुई आपसे मिलकर के। और फिर ये भी सेम कह सकता है मी टू, इतना भी जवाब दे सकते हैं, या जवाब दे सकते हैं नाइस टू मीट यू टू, है ना, प्लीज टू मीट यू टू, ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर लास्ट में कोई एक बाय और बाय, गुड बाय, टेक केयर, ऐसा करके कन्वर्सेशन को हमें खत्म कर देना है। गुड बाय, टेक केयर, ऐसा कुछ भी बोल के कन्वर्सेशन को खत्म कर देना है। ये जो स्पेस छोड़ा मैंने, इसमें आपको खुद से अपनी खुद की इमेजिनेशन, खुद की आइडियाज लगा करके बातें करनी है एक दूसरे से जितना हो सके। पहले तो ऑब्वियसली टूटी फूटी शुरुआत होगी, लेकिन टूटी फूटी शुरुआत से ही धीरे 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 आपको और आइडियाज मिलेंगे। एक बारी बात करेंगे किसी से तो शायद एक दो क्वेश्चन के बाद ही सरेंडर कर दें, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और ये ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि अगर 10 लोगों से इस तरह से आपने इंग्लिश में बात कर ली, अगर वो 10ों के 10 नए लोग हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत मजा आने लगेगा। और फिर किसी से भी, खासकर जब अक्सर मैंने देखा कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वगैरह से बात करनी होती है, फोन वगैरह का इश्यूज होता है जब, तो अक्सर लोग हेजिटेट कर जाते हैं इंग्लिश जानने के बावजूद, डर घबराहट लगने लगती है। तो उस डर घबराहट को निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, इसे ट्राई करें और देखें कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है। हालांकि जो मैं ये ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ आपको, ऑनलाइन क्लास से सिर्फ एक रफ आइडिया ही दे सकता हूँ। बेसिकली फायदा तो तभी होता है जब ऑफलाइन टीचर भी सामने मौजूद हो और टीचर आपको रेक्टिफाई करे, टीचर आपको आइडिया दे, टीचर साथ ही साथ एक नया आपके साथ कोई काउंटर पार्ट रख दे। तो अगर आपके लिए पॉसिबल होगी, जब आप ऑफलाइन क्लास में आने के लिए एबल होंगे, तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगा कि आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करें, क्योंकि 90% तक शायद ऑनलाइन फायदा आपको हो जाए, लेकिन 100% नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ी चीज है। मैं जो आइडिया दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, और हमारा नंबर जो है वो लिख रखा होगा नीचे आईडीज में, आप देख रहे होंगे मेरा नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा, उस पर टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कोई भी आपको ऐसे इश्यूज आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प कर दूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और बात करते हैं इससे भी कुछ अच्छी चीजों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे।